कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल न्यूज़ बाय संगीता। तो आज देखो हमारा चेहरा थोड़ा सा स्वेलिंग है, सुझा है, क्योंकि हम रात भर नहीं सोए हैं और अभी पुणे से जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर। सुबह सुबह की बस थी और हम बातें करते रह गए पूरी रात, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो नहीं सोए हैं। इसकी वजह से हमारी आँखें अभी भी ऐसे हो रही है जैसे नींद में है, और एक्चुअली में नींद में है। दोनों की हालत देखो। तो बस में बैठ चुके हैं, बस से जा रहे हैं। हमने बस की बुकिंग पहले कर ली थी ऑनलाइन, तो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है तो पुणे से त्र्यंबकेश्वर जाने का, और फिर वहीं रहेंगे। अब वहाँ आस पास क्या क्या चीज़ें हैं देखेंगे, कैसा है क्या है वो देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून। हमारी बस जो है वो ख़राब हो चुकी है, तो यहाँ वर्कशॉप पे आई है भारत बेंच। पता नहीं उसमें क्या ख़राबी है और कितना टाइम लगेगा। सो एक तो थके हुए थे एंड उसके ऊपर सारी प्लान ऐसी की तैसी हो रही है। एक्सपेक्टेड था कि 1:30 तक त्र्यंबकेश्वर पहुँच जाएंगे, बट आई डोंट नो, अब जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी, बस ठीक नहीं होगी, तब कैसे जाएंगे। भूख भी लग रही है, कोई फूड प्लाजा पे अगर रुकी होती है, गाड़ी ख़राब होता तो हम वहाँ जा कर के कुछ खा भी लेते। ये तो भी देखो कुछ भी नहीं मिला हमें खाने को, भूख लगी है। जोमैटो स्विगी आता है खाने को इधर कुछ? वैसा ऑर्डर पे आता है, तो कैसे ऑर्डर करते हैं इधर? अभी इधर के लोग किधर खाने जाते हैं? इधर के लोग सब डिब्बा लेके आते हैं, सब डिब्बा लेके आते हैं। मेरी बस खराब हो गई तो हम लोग डिब्बा किधर से लाएं? नहीं, सामने है उस पार होटल है। अच्छा, इस पार नाश्ता का है। तो नाश्ता का इधर नहीं है ना, इसमें कुछ भी नहीं है? नहीं, तो खराब छोटा है। तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, पता नहीं। जोमैटो ट्राई कर रहे हैं, शायद कुछ आ जाए इस सर्विस स्टेशन पे। हे तो देखो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे, फ़ायदा उठा रहे हैं, बस ख़राब हुई है और वर्कशॉप से बाहर, क्योंकि ऑब्वियसली वर्कशॉप है तो यहाँ के एम्प्लॉय आसपास कहीं तो जाते होंगे, तो टहलने या टपरी पे चाय पीने तो कुछ तो होगा ही आसपास। तो ऐसे रास्ते हैं, अरे बारिश का मौसम। एक तो मिला हमें यहाँ भाव लोग है, वड़ा पाव है क्या मिलेगा? हाँ मिलेगा, वड़ा पाव मिलेगा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये बस बन चुकी, आ गई आ गई आ गई आ गई, हम लोग जा रहे जा रहे जा रहे। हम लोग कुछ भी नहीं खा पाए, कुछ मिला ही नहीं, लेकिन हाँ बस चल चुकी है, ठीक हो गई है। तो फिर अब यहाँ से निकल रहे हैं, कितने बजे पहुँचेंगे त्र्यंबकेश्वर पता नहीं। ये प्लेस है जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, जगह अच्छी दिख रही है, मीन्स फाइनली ब्रेकफास्ट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बीच में हमारी बस ख़राब हो गई थी तो लेट हो गए थे। अब अंदर जा रहे हैं, क्या क्या है यहाँ पे देखते हैं। पोहा, आलू बड़ा, कोथम बड़ी, ये सारी चीज़ें हैं। किसका प्रतिमा है? बहुत देर के बाद तो हम लोग का ऑर्डर लेने आया है, हम लोगों ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है ब्रेकफास्ट का। सर्विस काफ़ी स्लो लग रहा है, मतलब ऑर्डर लेने ही इतनी देर बाद आया है, मतलब बनकर कितने देर बाद आएगा पता नहीं। मैं प्राची आगे का तो प्लान अभी पूरा नहीं बना है, हम लोग इस बार आइटिनरी बस चल रहे हैं, जो मिलता जाएगा हम लोग करते जाएंगे। ये बड़ा आते, सबसे पहले हम लोगों ने अम्ब्रेला लिया है क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, अभी तो थम गई है, हमने अम्ब्रेला लिया तो बारिश स्लो डाउन हो गया, बट अच्छा है। अभी सबसे पहले अब जाएंगे, फ्रेश होंगे, फिर दर्शन इसी टाइम करेंगे और उसके बाद का प्लान करेंगे कि क्या करना है। तो हमने वड़ा पाव, फिर से दो दो वड़ा पाव खा लिया। मुझे तो लगता है महाराष्ट्र अमृतसर में
वड़ा पाव, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मैं वड़ा पाव ही खाऊंगी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर। आप देख सकते हो हम लोग गेट के अंदर जा रहे हैं अम्बेडकर चौक पे, क्योंकि गजानन महाराज में पहले सोचा था स्टे करेंगे, बट वो फुल है कम्प्लीटली, वहाँ पे कोई भी रूम अवेलेबल नहीं थी। तो अभी जा रहे हैं होटल लेने, ले लिया है राधिका इन। धोकर के फ्रेश होकर के तैयार क्या होना, बस नहा करके पाया था। तो अभी मंदिर जा रहे हैं और बारिश हो रही है अभी भी, तो देखो हमने अम्ब्रेला ले लिया, काम आ रहा है, यूज़ हो रहा है। तो दर्शन को जा रहे हैं, आप सराउंडिंग्स देखो, ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। जा मंदिर के बाहर का ये बाजार देखने लायक है, जहाँ से आप हर प्रकार के धार्मिक वस्तुएं और प्रसाद ले सकते हैं। रात में इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ गई है, हर तरफ लाइट और चहल पहल से इसमें चार चांद लग रहे हैं इसकी खूबसूरती में। ये है त्र्यंबकेश्वर मंदिर का मुख्य द्वार। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग तीन मुखों में स्थित है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ऑलरेडी हम लोग को 1.5 आवर हो चुका है लाइन में लगे हुए क्यू में, वीआईपी दर्शन के बाद भी, फिर भी आप लोग देख सकते हो कि रश कितना है। बस इस रश में भी बच्चे मज़े कर रहे हैं। हे प्राची, फाइनली हम लोग कब दर्शन करने का टाइम आएगा, देखो वेट कर रहे हैं। हम अपना दिखाओ, हमारे पास भी बहुत अच्छे हैं फ्लावर्स। से हाय, व्हाट्स योर नेम? वी फाउंड वन मोर फ्रेंड हियर इन द त्र्यंबकेश्वर। यहाँ की आस्था और भक्ति का माहौल ही कुछ और है। आप देख सकते हैं यहाँ घंटों लाइन में खड़े होते हैं लोग, फिर भी बाबा के दर्शन के लिए किसी के भी चेहरे पे सिकन नहीं होता है। सभी हर्षोल्लास से शिव जी का आराधना और नामोच्चारण करते रहते हैं, हर तरफ लोग भक्ति में लीन हैं। बम 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 बोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर के अंदर का वातावरण आपको शिव जी की शक्ति और दिव्यता का एहसास कराता है। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर के पास ही गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है, जिसे यहाँ ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे से महाकाल के दर्शन हो गए और सच में मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, क्योंकि महाकाल के दर्शन का ये मौका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये बाबा ही हैं, शिव जी हैं, जो हर इंसान को बुलाते हैं अपने पास, जिनको दर्शन देना होता है। तो आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ और इतनी मन को शांति मिल रही है। हर किसी इंसान में ना, जब किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है या मन में अशांति हो, चाहे वो किसी भी वजह से हो, किसी भी रीज़न से हो, यहाँ आने के बाद वो अपने आप में ऐसा लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम्स हमारे शिव शंभू ले लिए और बस अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा फेथ अपने आप में आ जाती है। क्योंकि ये पूरे इन्वायरमेंट में, ऐसे माहौल में, मंदिर के सराउंडिंग्स में इतनी पॉजिटिविटी भरी हुई रहती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आप फील करोगे कि आपके अंदर में एक कहते हैं ना, एक दिव्य सा और एक एनर्जी एनर्जी निकलेगा। तो बहुत मैं तो बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो मंदिर का, मतलब इतनी प्राचीन मंदिर है ये, इसकी आर्किटेक्चर से ही आपको पता चलेगा कितनी पुरानी मंदिर है, लेकिन अभी भी यहाँ का आर्किटेक्चर और वास्तुकला से आप देखकर मुग्ध हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी कहती हूँ। तो आज हमारा ये यहाँ का दर्शन हो गया है, अभी जा करके मैं जो मैंने होटल लिया है वहाँ आराम करूँगी और कल सुबह मेरा ट्रैक का प्लान है हरिहर फोर्ट का। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में। The next day. हेलो, हरिहर महादेव। तो आज मैं त्र्यंबकेश्वर में हूँ, यहाँ से जा रही हूँ आज हरिहर फोर्ट ट्रैक के लिए। देखो मैंने रेनकोट पहन रखा है
और स्कूटी से जा रहे हैं पूरे ट्रैवल। बारिश का तो कहना नहीं, कल से बिल्कुल बारिश रुकी ही नहीं है, कम्प्लीटली बारिश हो रही है। तो हमने अम्ब्रेला भी लिया और अभी रेनकोट लिया क्योंकि स्कूटी से जा रहे हैं। तो पूरा ट्रैक करना है, कितना टाइम लगेगा ये वहाँ पे जाने के बाद ही अब पता चलेगा और कैसा रहता है वो आपको दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। हरिहर फोर्ट जो अपने आप में अद्भुत है, ये हरिहर फोर्ट की जो ट्रेक है ये बेसिकली टफ ट्रेक में कंसीडर किया जाता है। ये किला 3676 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र अपने आप में एडवेंचर से भरा हुआ है। एनीवे आप रास्ते में आने वाले एक खूबसूरत नज़ारे देखिए, बारिश ने तो और भी खूबसूरत बना दिया है, यूँ कहें तो चार चांद लगा दिया है। तो चलते चलते मैं कुछ बातें आपको बता देती हूँ हरिहर फोर्ट के बारे में। यहाँ की घाटियाँ और धूंध से ढके रास्ते, ऐसा लग रहा है जैसे नेचर के कैनवास में इंटर कर गई हूँ मैं। रास्ते में फैले ये हरे भरे खेत और घने जंगल इस जर्नी को अमेजिंग बना रहे हैं। हरिहर फोर्ट की जहाँ से ट्रेक स्टार्ट होता है वहाँ तक का सफर स्कूटी में तय करेंगे। वेल, मैं स्कूटी राइड नहीं कर रही हूँ मैं पीछे बैठ कर मजे ले रही हूँ। बहुत बढ़िया। कितना टाइम लगा और है जाने में लगेगा? अभी 15-20 मिनट। जी है। कहाँ से हो आप लोग? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके गुड। पहली बार आ रहे हो यहाँ पे? आराम से, धीरे धीरे। रास्ते के किनारे बहते हुए छोटे छोटे झरने और नदियाँ आपको मेस्मराइज कर देगा। कितना सुंदर रास्ता है ऊपर जाने के लिए। इन पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो आसमान को छू रहे हैं। ऊपर से एक घिरी धूंध और ठंडी हवा एक अलग ही एहसास करा रही है। यूँ लग रहा है जैसे मैं जन्नत में पहुंच गई हूँ। अगर आप ट्रेकिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ओ वाओ, एक टपरी दिखी। देखो ट्रेक करते करते काफ़ी आगे आ गए हैं, ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो अब इस टपरी पे बैठकर एक चाय तो बनती है ना, एक चाय पियेंगे क्योंकि मौसम इतना सुहाना है, बारिश हो रही है तो इस बारिश के मौसम में तो चाय बनती ही है डेफिनेटली। लो हमारी चाय भी आ गई। इधर निरूर पड़ा जाने का रास्ता है बट मैं नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ हरिहरगढ़ गई थी। इस वोट यहाँ पे भी हम कुछ लोग से मिले जो मर्चेंट नेवी में हैं सारे, यूपी एंड बिहार से। तो एक अफेक्शन होता है और कनेक्शन भी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ फ्रंट से। ये देखो ये सारे हैं। आप बिहार से हो? यूपी बिहार यूपी ओ ऑल फ्रॉम यूपी एंड बिहार से और सब मर्चेंट नेवी में। तो एक अलग से कनेक्शन मेरे को फील हुआ क्योंकि मेरा बेटा भी है टैंकर। और लोग जा रहे हैं शिप पे जाने से पहले त्र्यंबकेश्वर आए थे और फिर यहाँ हरिहर फोर्ट में आ गए दर्शन करने। ठीक है, आप लोग ऐसे कैसे लगा ये ट्रैक इतने बारिश के बाद भी? सभी मजा, देखो सब कैसे चल रहे हैं। यस एग्जैक्टली, बहुत अच्छा लगा मुझे तो, कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। मैं भी आपसे मिल के अच्छा लगा। थैंक यू। मेरा वैसे चैनल का नाम है ट्रैवल म्यूज बाय संगीता, अब सब्सक्राइब ही कर देना बिकॉज दिस इज गोइंग टू कम प्रोबेबली इन अनदर 20 डेज और सो। तो आप लोग ज़रूर देखना, सब्सक्राइब भी कर देना। मेरा चप्पल टूट गया, अब मैं ऐसे जाऊँगी एक चप्पल पहन के एक चप्पल और में ले करके। Thank you.
वी आर फोर्थ कंट्री, बहुत ही ज़्यादा स्टीफ है और टफ है। तो दोस्तों ये था हमारा हरियर फोर्ट का सफर, एडवेंचर से भरा हुआ और इस बारिश में और भी ज़्यादा खूबसूरत और टफ बना दिया था। वैसे ही यहाँ के ट्रैकिंग मैंने पहले भी कहा है कि टफ में कंसीडर किया जाता है और इस बारिश ने तो और भी टफ बना दिया है। तो आप जब भी त्र्यंबकेश्वर आओ बाबा के दर्शन को, शिव जी के दर्शन करने के लिए, और आपको कुछ आप ऐसा अगर ढूंढ रहे हो ट्रैक का या आपको ट्रैकिंग पसंद है तो यहाँ ज़रूर आना, एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आज का अपना ये ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो फिर मिलेंगे नए डेस्टिनेशन पे नए ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।